बहुत देर बाद वीडियो जब शूट करनी होती है ना तो एनर्जी लेवल तो कुछ ज्यादा ही हाई होता है, और जब देखते हैं कि भाई साहब रेगुलर वीडियो ना डालने की वजह से चैनल का क्या हाल हो रहा है, फिर तो इतना गुस्सा आता है कि भाई गाइस अब से मैं ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियो, मैंने पिछली बार भी प्रॉमिस किया था बट नहीं आ पाई, बट इस बार जरूर आएगी बिकॉज आई हैव मैनेज्ड द टाइम कि मैं एटलीस्ट कुछ टाइम दे पाऊं, बट हाँ दिस इज अ प्रायोरिटी तो टाइम देना पड़ेगा, रेगुलर वीडियो सबसे आएंगी ही आएंगी बिकॉज हमारे एडिटर साहब का पीसी भी बन चुका है, कांग्रेचुलेट देम। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एएमओपी का फेस रिवील। इस कहानी की शुरुआत ओके यहीं से होती है। घर रिवील ओके स्टूडियो मेरा फेस रिवील व्हाट गायब नेक्स्ट डे। ये भाई साहब ऐसे कम शो करता है भाई। भाई मैं ज्यादा जज नहीं करूंगा बट ये बच्चे की ओवर एक्टिंग थी भाई। ओ गुस्सा ए नूबड़ा हो ए हम भाई के 1 मिलियन हो गए। भाई भाई जोर पूरा लगाया बच्चे ने यार, सीधी बात है जोर पूरा लगाया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं खुद कुछ नहीं बोलूंगा। आ तो नागिन डांस होगा। ब्रेकिंग न्यूज, तो आज मेरा नाम है श्रुति, स्वागत आपका नूबड़ी न्यूज के अंदर। तो आज की ताजा खबर ये है कि मैं बिना मेकअप के कितनी सुंदर लग रही हूँ। फिल्टर एक के साथ एक फ्री बिना काम की एक और खबर, एमओपी कल रात से लापता है। अच्छा? सूत्रों से पता चला है कि जांच पड़ताल के लिए सीआईडी आई हुई है। चलो मैं चलती हूँ, मेकअप का टाइम हो गया, बाय। ओके सीआईडी दया दरवाजा तोड़। ओके मेरे को सीन पे जितनी हंसी आनी चाहिए थी ना उससे ज्यादा वो साउंड पे आई है जो निकला था। अरे अरे कहां घुस रहे हो तुम, कौन हो तुम? सीआईडी कॉमेडी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। कॉमेडी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ओके, मेरे को लगा था क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। ओह आइए। अच्छा ये है मोपी का रूम। ये गानों की आवाज कहां से आ रही है? ये कौन है? हाँ हाँ टिकटॉक की छमिया, एक काम कर कच्चा बादाम पे भी बना ले। ओके सर अभी बनाता हूँ। देखो यार फेस भी बहुत सारे देखे हैं बट इतना ज्यादा मतलब कह लो कि प्रॉपर बनाई मतलब स्पेशल प्रॉपर शूट है, मतलब यार ये नहीं कि फेस धीरे धीरे दिखा दिया है, कुछ है स्लो मोशन में दिखा दिया हो तो चलो डेली सोप वाले करते हैं। उनको मिलता है एमओपी का मोबाइल, एमओपी की फोटो और वो निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। ओके क्या आपने इसको देखा है? अरे अरे यार ये तो बड़ा सोना लग रहा है। एमओपी की फोटो कौन सी देख लो पहले। तेरे को ये सोना लग रहा है? तू सिर्फ इतना बता तूने इसको देखा है कि नहीं देखा? इसको हाँ सर देखा है मैंने। हाँ हाँ बता कहाँ देखा है? अभी तो सर ने दिखाया। चलो यार ये तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, एक तो मदद करो ऊपर से मारो और खाओ। सर एमओपी के फोन में लोकेशन आई है। इसका मतलब समझे दया? नहीं सर मैं भी नहीं समझा। कोई बात नहीं इस लोकेशन को फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। एमओपी के मोबाइल पर जो लोकेशन आई थी उसको फॉलो करते हुए सीआईडी पहुंच जाती है उसी जगह पर। ओहो ओके एमओपी को जो लेके गए थे वो सारे ढेर पड़े हैं। विक्टर दादा जिंदाबाद। कौन हो तुम? पहचाना नहीं। एमओपी एम भाई कुछ भी कहो तुम तो बड़े हीरो लग रहे हो। हाय मेरी जान तेरे मुंह में घी शक्कर। कोई मेरे को भी दे दो घी शक्कर। लेकिन ये सब हुआ कैसे? छोटे दिमाग की मोमबत्ती गुल मत कर, तेरे को लेके चलता हूँ फ्लैशबैक में। लेट्स गो। ओके वन डाउन।
आगे स्पेशली यहाँ पे लिखा है हबीबी हबीबी हबीबी, तुम जितना दौड़ती मैं उतना दौड़ाती, तुम जाके पकड़ती हमको नहीं उसको पकड़ती। उनके बाजू जब थी ना भाई, जिनकी बाजू मरोड़ी है ना, उनके बाजू मरोड़े की जरूरत नहीं है, ऐसे उंगली से ऐसे कर देते तो मुड़ जाती वो। हमारे टीम में नॉक होती रिवाइव देती। भल्ला हबीबी, ये पबजी नहीं होती, रियल लाइफ होती। तुम जा भल्ला हबीबी नहीं, भल्ला हबीबी ती। ओ कैमरा वाले भैया इधर से लो ना। ओह ऑल रेड स्क्वाड वाइट। ओह नवाबजादे, तूने मुझे किडनैप क्यों किया? हबीबी तुम फेस रिपील नहीं करती कभी भी, इसलिए मैं किडनैप करती। तो ये सब हुआ था एंड अब मैं चलता हूँ। अब तो फेस दिखा दे, तो फेस रिपील कर दो भाई। ओहो भाई, मैं हूँ एमओपी, मैं हूँ एमओपी, मैं हूँ एमओपी, मैं हूँ एमओपी। ओह हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सो वेलकम बैक मेरे जान, फाइनली हो चुका है हमारा फेस रिवील एंड या यही हम भाई। okay, एक मिनट, आवाज से नहीं लगता था भाई, ही इज लुकिंग जस्ट अ मैच्योर गाय, बट आवाज से ऐसा लगता था कि लाइक दैट 16 17 ईयर ओल्ड गाय जो कि स्ट्रगल कर रहा है प्रॉपर्ली। उसके बाद में 300 के पे, उसके बाद में 1 मिलियन पे, अब जाके हो रहा है एक्चुअली 1.3 पे हुआ, बट मैं नहीं बोलूंगा कुछ बिकॉज जो 300 के का टाइम था उतना टाइम तो लगा होगा यार इतने लोगों से एक्टिंग करवाना, वो भी पार्टी दो भैया, पार्टी दो, पार्टी कम, पार्टी नहीं भंडारा करते हैं ब्रो। एंड चलो आपको भंडारे के अंदर लेके चलता हूँ, लेट्स गो। ओके एंड बारी आ चुकी थी मर के कट करने की, अब यहाँ पर ना सब के सब थे यार। पेरेंट्स सबसे ज्यादा, और जो लेफ्ट राइट साइड में ना वो मेरे माँ और पिताजी है, एंड ये वाला पल हमेशा यादगार रहने वाला है। एक्चुअली ये फीलिंग जो है ना वो गूज़बम्स वाली है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, अभी अंदर से शॉक छोटा सा एक झटका सा लगता है ना वो गूज़बम्स वाला जो है, अभी भी वो शॉक है कि हाँ लाइक दिस इज रियल सक्सेस। ये सपना आप सबकी वजह से पॉसिबल हो पाया, तो आप सबको दिल से थैंक यू यार एक बार फिर से। एंड इंडिया पे पड़ोसी रिश्तेदार मेरे पबजी वाले दोस्त जो कि बहुत दूर दूर से आए हुए थे यार, एंड यहाँ पर ये मेरे को ना माला पता नहीं क्यों पहना रहे थे। मेरे को भी खानी है ये मिठाई। ओह भाई, लेकिन अभी कुछ सीन होने वाला है, बोले तो कुछ कमाल बिर्रो। देखो तुम, यहाँ पर इन लोगों ने मेरे को एक नंबर का भूत बना डाला, बिल्कुल व्हाइट कलर का, एंड बारी थी डीजे पर डांस करने की। जब फर्स्ट टाइम डांस करते हैं तो हिलाते तो कमरिया, लेकिन हिलता पिछवाड़ा है। फिर से जब 1 मिलियन स्पेशल है, सिर्फ यादें रहेगी, सब कुछ चला जाएगा, एक दो ठुमका मार लेते हैं। तो क्या आप तैयार हो मेरा प्रोफेशनल डांस देखने के लिए? बजा दे फिर म्यूजिक, लेट्स गो। बस बस बस, इसके बाद में नागिन डांस पे किया था, लेकिन मैंने नहीं, मैंने तो पुंगी बजाई थी सिर्फ। रास्ता क्लियर कर दे। अरे अरे भास्कर भाई थम जा, नागमणी लेके मैं
बनेगा। लास्ट में ना हमने लुंगी डांस भी किया था। तो ये थी हमारी 1 मिलियन स्पेशल वीडियो फेस रिवील वीडियो विद प्योर फीलिंग्स ब्रो। अगर आपको मेरी और फेस गेम वीडियो देखनी है तो ये हमारा न्यू गेमिंग चैनल जिसके ऊपर हम माइनक्राफ्ट GTA 5 एंड बहुत सारे नए नए गेम खेलेंगे। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। नाइस स्क्रिप्ट प्रॉपर दी एक्टिंग थोड़ी सी जबरदस्ती करानी पड़ी बिकॉज ऑब्वियसली यार प्रोफेशनल एक्टर्स हायर करना दैट इज अ लॉट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट। एंड गाइस और बताओ किस किस तरह करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय still everything's the same. I'm sick of wasting time, wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane, yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes. All the fame on the coast and the pain no one knows. I want the time just to slow, my mind's feeling low. Say I'm fine, but I know that I might be alone. Fucking up in the worst kind of way. You took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm solo, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now.